वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज मिलके बनाते हैं बड़ी मज़ेदार सी, चटपटी सी, जूसी सी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ ट्रिक्स के साथ कलेजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने ले लिया है आधा किलो कलेजी। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरीद है और बकरीद में सबसे पहली डिश जो बनती है वो होती है कलेजी, क्योंकि वो जल्दी गल जाती है। सब लोग भूखे रहते हैं, सब लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, कुर्बानी का गोश्त बांटना होता है, कुर्बानी करना होता है, फिर बिरयानी वगैरह बननी होती है, तो ये सब दिन के प्रोग्राम होते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले कलेजी बनती है। चलिए हम आपको आज बनाना बताएंगे कि कलेजी को आप बहुत आसानी से बहुत नरम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आधा किलो कलेजी ले लिया है, इसे हमने खूब अच्छे से पानी से धो लिया। वैसे तो आगे भी ये धुलेगी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, जो कि बाद में वॉश करने के वक्त जो है वो धुलने में निकल जाएगा। और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सिरका। तो आपको जो भी सिरका आपके पास हो, हमारे पास एप्पल वाला है तो हम ये डाल रहे हैं, तो ये आप इसमें डाल दीजिए कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अभी सिरका डालने से क्या होगा कि आपकी जो कलेजी है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से ये कलेजी को क्लीन कर देगी। अब आपको इसे अच्छे से मिला देना है। अब मिलाने से ये होगा कि जब ये अच्छे से मिल जाएगी और आप इसे छोड़ दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप पहले देख लीजिएगा कितना डार्क कलर था कलेजी का, और आप इसे जब 10-15 मिनट छोड़ देंगे तो कलेजी का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, लाइट कलर की हो जाएगी। इसका मतलब ये कलेजी बहुत अच्छे से साफ हो गई है और इसके अंदर का जितना खून वगैरह था जिससे कलेजी वक्त लेती है गलने में, वो सब निकल जाएगा और आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी कलेजी जो है बहुत हार्ड हो जाती है। तो ठीक है, इसे भिगो के इसी तरीके से छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि पूरी तरीके से कलेजी जो है वो डूब जाए। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पानी में कितना कलर देखिए चेंज हो गया है, कलेजी का भी कलर चेंज हो गया है। कलेजी बिल्कुल लाइट कलर की हो गई, जब हमने स्टार्टिंग में डाला था तो कितना डार्क कलर की थी। इसका मतलब यह है कि इसका जितना अंदर का खून था, जितनी भी गंदगी जो भी जिससे बिसांद आती है थोड़ा सा कलेजी में, वो सब निकल चुका है, आप पानी देख सकते हैं। तो बस इसे अभी 2-3 पानी से अच्छे से हम धो लेंगे और धो के बस जल्दी जल्दी आपको बताएंगे कि बहुत आसान तरीके से बहुत ही मजेदार कलेजी, बहुत ही सॉफ्ट कलेजी कैसे बनती है। तो ये लीजिए, हमने यहाँ 3-4 पानी से इसे धो लिया और बहुत साफ हो गई है हमारी कलेजी। कलर देखिए बिल्कुल भी चेंज हो गया है। अब जल्दी जल्दी से इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले थोड़े से अलग होंगे, जिसमें हम धनिया पाउडर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, साथ में इसमें जाएगी मिर्च। बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि पीसी मिर्च नहीं डालते हैं, सिर्फ चिली फ्लेक्स डालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाल रहे हैं क्योंकि हमें चटपटा बनाना है। तो यहाँ पे मिर्च चली गई, इसमें जाएगा नमक। नमक थोड़ा देख के डालिएगा, क्योंकि पहले भी डाला था तो नमक अंदर तक पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे अभी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे जब थोड़ी पक जाएगी। साथ में इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स जरूर डालिए। जब ये चिली फ्लेक्स के जो दाने होते हैं मुंह में आते हैं तो बहुत मजा आता है। तो ये चिली फ्लेक्स इसमें चला गया, अब इसे हम लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, सब चीजों को मिला लीजिए ताकि अच्छे से मसाला जो है हर बोटी में लग जाए। तो ये हमने अच्छे से मिला लिया। चलिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो लीजिए, हमने गैस को ऑन कर दिया, अपनी कढ़ाई को रख दिया। इसमें डाल देंगे हम ऑयल कम से कम 1/2 कप के बराबर जाएगा। देखिए ये आप अंदाजे से डालिएगा, कम ज्यादा बिल्कुल भी कर सकते हैं, लेकिन चटपटी सी मजेदार सी बन रही है कलेजी मसाला, तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए। ईद है, ओकेजनली तो खाना बनता ही है, चाहे मेहमान आ रहे हों, चाहे कुछ खास मेहमान आ रहे हों, चाहे रिश्ते वगैरह की बात चल रही हो, चाहे ईद बकरीद हो, तो इस तरीके से थोड़े से मसाले अच्छे लगते हैं खाना। तो चलिए, अब इसे ज्यादा कोई मसाला जाने वाला नहीं है, तो हम इसमें डाल रहे हैं बड़ी वाली, काली वाली बड़ी इलायची होती है ना, वो डाल रहे हैं 4 पीसेस, और इससे बहुत प्यारा सी खुशबू आ जाती है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, प्याज को हमें अच्छे से लाल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज लिया था क्योंकि मसाला इसी से बनने वाला है। तो आप इसे अच्छे से लाल कर लीजिए गोल्डन। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है प्याज में, इससे ज्यादा डार्क नहीं करना है। आप कभी भी इससे ज्यादा डार्क मत किया करिए, जब भी आप ज्यादा डार्क कर लेंगे ना तो जो भी चीज है आपकी सालन कोरमा वो ज्यादा डार्क कलर का बनेगा।
तो बस जब गुलाबी गुलाबी होती है उसी वक्त आप डाल दीजिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दो हाथ चला लेंगे इसे और बस अब इसमें हम डाल देंगे जो कलेजी अभी मैरिनेट करके रखा हुआ था वो कलेजी इसमें चली जाएगी। तो बस आपको इसे अब अच्छे से भून लेना है। मसाले इसमें कुछ भी नहीं पड़ेंगे, जितने डाला था बस उतने ही काफी है। ऊपर से बस कुछ और चीजें डालेंगे हम खुशबू के लिए, पहले भून जाए फिर आपको बताते हैं। इस वक्त आप नमक को चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से पहले अच्छे से भून लेते हैं और भूनने के बाद फिर आपको बताते हैं अगली चीजें क्या जाने वाली है। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से भून गई है, अच्छी से खुशबू भी आ रही है मसाले की, लेकिन बोटियाँ देख लेते हैं गली है या नहीं, और नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार है, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मसाला लगाया था मैरिनेट किया था उस मसाले के पानी को थोड़ा सा डाल देंगे तो मसाला वेस्ट भी नहीं होगा और थोड़ा अच्छे से हमारी कलेजी गल जाएगी। एक बार इसे अच्छे से चला देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम हरा धनिया और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत प्यारा सा जायका आ जाएगा। ये सब चीजें डालने के बाद एक बार चला देंगे और चलाने के बाद इसको ढक देंगे और ढक के इसे इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो चलिए मिलते हैं कम से कम 3 मिनट के बाद। तो लीजिए यहाँ पे पानी सूख चुका है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो मसाला है वो भी भुन गया है और बहुत मसालेदार हमारी कलेजी बनके तैयार हो गई है। देखिए गर्म गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ एज ए साइड डिश भी अच्छी लगेगी। तो ये हो गया, अब इसको डाल देंगे जैसे आप हमने आपको बताया कुछ खुशबू वाली चीजें हम हमेशा करी पत्ता डालते ही हैं। तो ये डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, एक बार अच्छे से मिला देंगे और हमारी कलेजी मसाला बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है और रेडी हो गया है। तो चलिए इसे अब सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम कलेजी मसाला बनके बिल्कुल भी तैयार है। झटपट सर्व करिए और इस कलेजी मसाला के आप मज़े लूटिए। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे।